अधिकारी घूम रहे हैं, इतने लोग ना कोई ना कोई तो जाता है। जी 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 कार्रवाई कोई नहीं, कोई नहीं, नहीं। अब इनका साहब साहब आप लोगों को न्याय दिलाएंगे। तुमने अपना नाम बताओ। मौजा कौन पड़ता है? अपना नाम बता दीजिए, किस लिए आज आप लोग यहाँ पर आई है और कहाँ है, क्या दिक्कत है? सर हमें न्याय चाहिए। क्या हुआ, पूरी बात बताइए आप। सर हम पोलिंग पे वोट डालने गए थे, वहाँ पे झगड़ा हुआ, हरचंद सिंह ने हमें वोट, हम जहाँ वोट डाल रहे थे वहाँ पे मतलब जबरदस्ती कर रहे थे, हम दूसरी जगह डाल रहे थे, वो दूसरी जगह डालना चाहते, हमें धक्का दे दिया, हम गिर पड़े हैं। देखो सर हमारे हाथ में मोच आ गई, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, मेरे हाथ सीधा नहीं हो रहा है, ना कोई मेडिकल हुआ है उसमें। तो आप थाने गई थी, आपका थाना कौन लगता है? जगतपुर। वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई नहीं, दोबारा भी गए थे तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज कहाँ आई आप? यहाँ SP ऑफिस है। यहाँ मिले कोई आपको? अभी कोई नहीं मिला। कितनी महिलाएं आई यहाँ पे साथ में आपके? अरे करीब 10-15 जन है। क्या नाम है आपका? बबली। किस गांव का मामला है? ग्राम पूरे हरभजन सिंह पुरवा सांदुकुआ। ये क्या बात होगी आप लोग यहाँ पर? नाम राजकुमार यादव है। हमारे यहाँ उस दिन मतदान चल रहा था, मैं पोलिंग अभिकर्ता था, मतदान अभिकर्ता, तो 2 बजे के आसपास जो है जबरदस्ती वोट डलवाने की कोशिश की गई, जिसका हमने विरोध किया, तो हम लोगों को दड़ो दड़ो के पीटा गया। किसने मारा है? मारा है हरचंद सिंह ने, उनके भाइयों ने, उनके पुत्र थे अनुज कुमार सिंह, ये सब थे। और हमारे गांव की करीब 50-60 वोटें डालने नहीं दिए उनको, वोट डालने ही नहीं दिया गया, भगा दिया गया। कौन सा क्षेत्र लगता है? ये सानुकुआ थाना जगतपुर, तहसील ऊंचाहार, जिला रायबरेली। किस चीज़ से मारा था आपको? हाथों से मारा था और मुझे शायद कटीले तार, पता नहीं किस चीज़ से, मैं देख नहीं पाया, मुझे ये चोट आई थी, खरोंच आई थी, पता नहीं कैसे क्या मारा था। तो पूरे गांव को वोट नहीं डालने दिया? नहीं, हमारे गांव की आधे लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। लगभग कितने लोग होंगे जिनकी वोट? 50-60 लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। क्या कह रहे थे वो लोग? डालने नहीं दिए सर, अंदर पोलिंग के अंदर घुसने दे थे, मारपीट कर रहे थे, लोग डर गए, नहीं गए अंदर। तो पुलिस वालों को आपने फोन किया था? फोन किया था, कोतवाल साहब को, SDM साहब को फोन किया था, सब आए थे लेकिन कहीं कुछ हुआ नहीं। 112 पे किया था, फोन नहीं रिसीव हुआ। ये क्या, किस लिए आप लोग यहाँ आई हैं? यहाँ हम आए हैं सर, पोलिंग पे झगड़ा हुआ है, मारपीट हुई है, हम लोगों को जान मान का खतरा है, हम लोग रात बिरात निकलेंगे तो हम लोग को मारने को धमकी दे रहे हैं, मारते हैं तो हम लोग जाएंगे कहाँ? कौन धमकी दे? राम सुमेर सिंह, हरचंद सिंह और उनके पुत्र नीरज सिंह। क्या वहाँ बात क्या हो गई थी ये बताइए? अरे बात वही पोलिंग की झगड़ा है, इसीलिए कहते हैं कि क्यों तुम खड़े हुए हमारे खिलाफ। अच्छा, प्रधानी करा कि BDC करा? नहीं, BDC करा, प्रधानी करा, दोनों। हरजन सीट थी तो वहाँ मारपीट भी करी का? हाँ मारपीट करी, बहुत ज्यादा कर। कितनी महिलाएं आई हैं आज आपके? यहाँ महिलाएं हैं 20, हाँ 30-35 है। सभी वोट वोट डाले थी मिला? नहीं नहीं, ढील पाए, करीब 60-70 वोट रह गए यहाँ, कितने नहीं पाए। कितने पूर्वा लगा दिया, कितने गांव लगा था आपके? अरे गांव लगा थी जो है 5-7 गांव। कई साल से प्रधानी है उनके यहाँ? प्रधानी तो बता रहे हैं कि का 70 साल से नहीं है, 70 साल से ज़्यादा ही हो गई प्रधानी, कोई दूसरा नहीं खा, कहीं अपना मजदूर खड़ा करते हैं, कहीं किसी को खड़ा करते हैं, हम लोग अगर खड़े होते हैं तो डंडा लाठी खाते हैं, जूता लात खाते हैं। आज कहाँ आई हैं? आज हम SP के ऑफिस। क्या कहा है साहब ने? साहब ने कहा जाइए आपका काम होगा। थाने गई थी? हैं थाने गई थी, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ, वहाँ उल्टा जो है आरोप लगाया गया है कि वो शांति को मारा गया है, ऊपर से FIR दर्ज कर दी। अरे दर। हाँ क्या नाम आपका? हमारा नाम सरोजनी देवी।